हे गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय अंदर ब्लॉग। तो ये हमारे यहाँ पे पैकिंग बुकिंग हो चुकी है और भाई आज हम जा रहे हैं मनाली। जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था कि मैं कहीं जा रहा हूँ और बताऊँगा नहीं अभी, तो आज हम जा रहे हैं मनाली और पूरी तैयारी हो चुकी है। अभी भी एक मेरी बस दोनों छोड़ गई थी तो एक लड़के को कॉल किया, शायद वो अभी धर्मपुर जा रहा है तो उसके साथ धर्मपुर तक जाएंगे। मुझे कटिंग करानी है, कटिंग कराने का भी वो है। अरे बूढ़ी भाई, चल ठीक है बूढ़ी भाई, फिर दूर से पैरी पहना हमने क्योंकि जूते पहने, हम परे नहीं जा सकते। तो चलो चलते हैं यहाँ से। और ये हमारा सस्ता हंसकी, सस्ता हंसकी बाय, सस्ता हंसकी बाय, सस्ता हंसकी बाय बाय, सस्ता हंसकी। तो चलो मिलते हैं गाइस थोड़ी आगे जाके, पहले जाएंगे धर्मपुर, हेयर कट वगैरह लेंगे, इसके पास पहुँच लेते पहले ऊपर। तो चलो हैं। तो गाइस अभी हम रोड में आ चुके हैं और देखते हैं कि कितनी देर में वो आता है, उसी का वेट कर रहा हूँ अभी। फिलहाल जल्दी आ ही जाएगा वो थोड़ी देर में, तो उतनी देर यहाँ पे वैसे ही बैठ के आराम लेते हैं। ये कुछ ऐसा सा, ये मैं सोच रहा था कि यार इसको ही लेके चल जाऊँ, पर तो भाई ये अभी से कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रही थी तो इसको ले नहीं जा सकते। वहाँ पे जाके देख लेंगे घूमने फिरने के लिए कोई चीज़, या रेंटल पे ले लिया करेंगे स्कूटी वगैरह जब दूर को जाना हुआ, जब नज़दीक नज़दीक के पॉइंट करने हुए तो ऐसे कर लेंगे। बाकी दो तीन महीने बाद शायद मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर लूँ। और ये देखो बूढ़ी माई परे से कैसे देख रही है, आया नहीं वहाँ अभी। तो ठीक है गाइस, इसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर बाद और जैसे ही आता है तो चलते हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं चंडीगढ़, ये मेरे को चंडीगढ़ के लिए डायरेक्ट लिफ्ट मिल गई थी। और ये हम धर्मपुर का हाईवे हमने, सॉरी धर्मपुर से जो कच्चा रोड था वो हमने क्रॉस कर लिया। पीछे मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे को इसके ऊपर विश्वास नहीं था, मतलब क्या हफ्ता चढ़ा पर ऐसे बोले कि चंडीगढ़ को जा रहा है यहाँ से ऊपर को निकल लेता। तो इससे अब चंडीगढ़ जाके मिलते भाई, चंडीगढ़ से डायरेक्ट बस पकड़ेंगे मनाली की और अप्रॉक्स में मनाली पहुंच जाऊंगा शाम को 7-8 बजे के करीब। ये नहीं पहुंचेगा मनाली, रहेगा चंडीगढ़ ना। ना भाई पहुंच जाऊंगा यार। तो अभी देखते हैं, नीचे जाते हैं, बस पकड़ते हैं और बस पकड़ के सीधे निकल जाएंगे भाई। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस I-20 वाले को देखो भाई कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है। खींचते भी तो जब इतनी प्राण मारी थे गड्डी देखे, खींचते भी जब इतना प्राण मारी थे गड्डी रे। और क्या। तो गाइस अभी हमने सरवारा टोल प्लाजा क्रॉस कर लिया है और इससे आगे अब हम कितना टाइम लगेगा हमारे को इधर से आगे, एक घंटा बस, एक घंटे में हम पूरे चंडीगढ़ हो गए गाइस। उसके बाद वहां से बस पकड़ेंगे डायरेक्ट और डायरेक्ट पहुंचेंगे हम मनाली जाके। फिर रास्ते से कहीं रुकेंगे राकेंगे, देखते खाना खाया और मेरे 2-4 पराठे खा लिए थे, अब आगे का सीन बताते हैं क्या होता है। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फाइनली गाइस हम टोल प्लाजा पे पहुंच चुके हैं पंचकुला, और ये खुल जा भाई, खुल गया। तो इधर से आगे हमारे को सारा ये आधा घंटा भी लगेगा, क्यों 10-20 मिनट में हम अपने डेस्टिनेशन पे होंगे। और स्पीड ब्रेकर था यहाँ पे, यार एडिटिंग करने का तो टाइम नहीं लगा। तो गाइस यार पिछले ब्लॉग्स के लिए सॉरी भाई, एडिटिंग करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था। आज देखता हूँ बस में अगर एडिटिंग हो पाई तो अभी दिन में दिन तक ब्लॉग डाल दूंगा, और ये वाला ब्लॉग है ये कल ही पोस्ट हो पाएगा अब तो, क्योंकि कल वाले ब्लॉग में ऐसा कुछ भी नहीं था, उसकी थोड़ी बहुत क्लिप भी होगी तो इस वाले ब्लॉग के साथ बीच में या लास्ट में कहीं मर्ज करके डाल दूंगा उसको भी। और अभी भी 10-20 मिनट वहाँ को लगेंगे, वहाँ से डायरेक्ट बस पकड़े वहाँ निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर शाम को मैं मनाली में कहीं फंसता हूँ ना तो भाई ठंड इतनी होती है ना कि बस कुछ मत पूरे हाल हो जाते हैं। और ये कुछ ऐसा सीन है भाई आगे का, बिल्कुल प्लेन रास्ता है और तुम स्पीड देख सकते हो 80-90 को अटैच कर रही है। तो गाइस यहाँ पे बत्ती लगी और ये यहाँ से हम निकल पड़े हैं। और खाली हो पूरा रोड, तो सोच कहाँ रगड़ा जाना है इस रोड में। और गाइस ये पूरा रोड खाली हो एक बार तो भाई कसम से मजा आ सकता है इस रोड पे। पर अभी सुबह का टाइम है ना, थोड़ा 10 बज रहे हैं अप्रॉक्स, तो रश काफी ज्यादा है बिकॉज़ ऑफ द ड्यूटीज।
मैक्सिमम बंदे ड्यूटी चल रहे होना। तो देखो गाइस ने चिड़िया घंटे फोड़ दिए इसके अंदर रखे भाई, क्या किया है ये। और बेचारी ये दोनों इसके अंदर बैठी है, और ये देखो बच्चे कैसे लटका है नीचे भाई। कोई अब इनके बच्चों को बैठा देते ना यार ऊपर, कब से लटक रहे बेचारे, थक गए हो गए। खेलो मुआ है, खेल खाया रे, ऊपर से आ गए धर्मपुर से लटके हुए इसमें। तो ये गाइस हमने इनके बच्चों को भी रेस्ट दिया थोड़ा सा, बेचारे ने तो लटक लटक के थक गए थे। अरे देखो एक अंडा फोड़ दिया इसने इनका, देखो यहाँ पे इसका एक अंडा दिख रहा होगा। बड़ा पापी इंसान है गाइस यहाँ पे बैठा हुआ, डाकू एक नंबर था। डाकू एक नंबर था। तो यहाँ से गाइस अप्रॉक्स अभी एक का किलोमीटर है कैमर पर जाने के लिए, एक किलोमीटर यहाँ से आगे, उसके बाद राइट टर्न लेना है और साथ में ही है बस स्टैंड आपका। तो बस स्टैंड जाएंगे, बस वगैरह देखेंगे भाई कब की है, शायद या तो कटिंग मैं यहाँ पे हेयर कट यहाँ पे ले लूँगा या मनाली जाके ही लूँगा। आप देखते हैं कि कब तक पहुँचते। बाकी यार भाई ये बैग बहुत ज़्यादा भारी, मेरी बाजुओं में दर्द आ चुकी है इनको उठा के। तो चलो मिलते थोड़ी आगे जाके। फाइनली गाइस मेरी टिकट हो चुकी है, ये समथिंग कुछ 640 रुपए की मेरे को बैठी, हाँ 630-640 रुपए की कोई टिकट थी चंडीगढ़ से मनाली की। ये कौन सी हरियाणा रोडवेज की बस है, पता नहीं भाई 8-8:30 बजे तक शायद ये पहुँचाएगी वहाँ पे। ये कुछ अभी 5-10 मिनट में यहाँ से चल पड़ेगी इसके बाद। तो गाइस अभी हम खाना खाने रुके थे कीरतपुर साहिब, और जैसे मैं बस में बैठा थोड़ी देर में मेरे को नींद नांद आ गई थी, और यहाँ से आगे का सफ़र अभी पता नहीं कितना सा है। तो खाना थोड़ा खा के यहाँ से बस आगे चलेगी। सुबह मैंने सिर्फ 2 परांठे खाए थे तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी मैं, तो खाना थोड़ा खाएँगे फिर सो जाएँगे भाई, और आगे जा कर देखेंगे हम। इसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ बस रुकेगी। चलो मिलते आगे चल के। वाले पूरे व्लॉग की माँ बहन होगी, पर आराम से व्लॉग बनाऊंगा मनाली जाके और पूरा मनाली दिखाऊंगा। मनाली में मतलब कुछ उस पॉइंट है पर डे के हिसाब से कुछ उस पॉइंट करते रहेंगे। और अभी का सीन ऐसा है कि मैं मनाली पहुंचने वाला हूँ थोड़ी देर में, तो यहाँ से थोड़ा ही टाइम लगेगा मनाली के लिए। और वहाँ से जो जहाँ पर मैंने अभी जाना है होटल में, वहाँ से कोई लेने आएगा तो पता नहीं, शायद 200 मीटर होगा मेन रोड से, तो उतना से मैं चल के भी चला जाऊँगा। तो वहाँ पे जाके भाई रेस्ट करेंगे। आज बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, जो पहले वाला ब्लॉग था उसको एडिट करूँगा और उसके बाद उसको पोस्ट शायद कल सुबह करूँगा, और इस वाले ब्लॉग को परसों पोस्ट कर दूँगा। जो कल तो शायद बड़ा मुश्किल ब्लॉग वगैरह बनाना, कल ऑफिस वगैरह जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या हिसाब किताब है,
इस हिसाब से अगर चलता है तो ठीक है तो करेंगे, यहाँ पे अगर नहीं चलता है नहीं जसता है तो कहीं और देखेंगे या वापस चलेंगे यहाँ से। मतलब कि कुछ ऐसा ही सीन रहने वाला है, अगले वाले आने वाले ब्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा। बाकी अभी यहाँ पे पता नहीं बस क्यों रुकी, शायद गैस कुछ खत्म हो गई है या समथिंग, कुछ ऐसा ही सीन था तो यहाँ पे बस रुकी थी। और यहाँ से आगे का आप देखते। सो फाइनली गाइस वी आर इन मनाली, और भाई बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है मुझे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, तो अब इसके बाद जाएंगे सीधा होटल। कोई अप्रॉक्स 10-20 मीटर बचा है, साथ में ही कहीं मिल जाएगा, तो मिलता हूँ डायरेक्ट आपसे होटल में जाके। और कल का सीन अभी कोई पक्का फिक्स नहीं है क्या होगा, पर जैसे होगा पर अब प्लेस वाइज ब्लॉग डाल करूँगा। और मिल गया मुझे सामने ही, मिलते चलो थोड़ी देर बाद। बस गाइस यार आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मैं पहुँच चुका हूँ मनाली और भाई कसम से बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं, थक। इतना लंबा सफ़र, पहले चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ से मनाली अप्रॉक्स आज हमने कोई 350-450 किलोमीटर तय किया है। और कल से एक सीरीज चलाएंगे भाई, पूरा मनाली घूमेंगे। और मैं ऐसा नहीं बोलता कि डेली व्लॉग्स आएंगे, 2-3 दिन में या हफ्ते में एक आधा व्लॉग करेंगे अपलोड, बाकी क्वालिटी कंटेंट डालेंगे, डेली व्लॉगिंग भी करेंगे जब थोड़ा सा चैनल ग्रो हो जाएगा और थोड़ा सा पैसा भी आना शुरू हो जाएगा जिससे हम घूम सके, अपना खर्चा चला सके। और बस तो एक सीरीज चलाएंगे मनाली की, जिसमें पूरे मनाली के पॉइंट आसपास के, जैसे मलाना हो गया, ऊपर रोहतांग पास वगैरह, अटल टनल वगैरह, काजा, कल्पा, ये चीज़ें भी मतलब कि काफ़ी नज़दीक है यहाँ से, 143। और ले का तो पता नहीं गाइस, अगर ले के लिए 3-4 छुट्टी अगर बीच में मिल जाती है तो ले भी ज़रूर करेंगे, पर शायद इस बार पॉसिबल ना हो क्योंकि बर्फ़ गिर जाएगी इसके बाद थोड़े दिन बाद। तो चलो फर्स्ट स्नोफॉल भी अब की बार हमारी मनाली में ही होगी, और अभी इतनी ठंड नहीं है, यहाँ पर बाहर बारिश हो रही है, एक कंबल में काम चल पड़ेगा। मतलब कि जो रजाई थी मैंने इसके जो बेडशीट थी इसके नीचे ले लिया उसको, और देखते हैं भाई क्या होता है। पिल्लों को भी नॉर्मल मारना है, इसमें कवर नहीं था तो मैंने ऐसे ले लिया, इससे थोड़ा गंदा है पर चलो काम चलाने लायक ठीक है। और कल जाएंगे ऑफिस, देखते भाई कैसे क्या सिस्टम है, बाकी भाई भयंकर स्टाफ है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और देखते शुरू करते एक नई जर्नी यहाँ से। शायद जो पहले सोचा था कुछ वो पूरा हो जाए, तो चलो शुरू करते हैं, सॉरी शुरू नहीं करते, ख़त्म करते आज के ब्लॉग को। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। वैसे भाई पूरे ब्लॉग में पोपट हो गया, कहीं पर बोल नहीं पाया मैं क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, बस में मेरे बैठा भी नहीं जा रहा था ढंग से। लास्ट में जब मुझे जाग आई तो मैं पहले अनंतपुर साहिब था, उसके बाद कहीं के रास्ते से कहीं भी बस नहीं रुकी गई। बस रुकी है तुम्हारी सिर्फ आके, कहाँ रुकी थी यार, जहाँ भी बीच में शायद चाय चूह पीने के लिए रुकी थी वहाँ पे रुकी थी, बाकी कहीं भी रास्ते में बस नहीं रुके। तो वही थे जो इस वीडियो में टाइम लैप्स वगैरह थोड़े बहुत डाल दिए थे, तो डाल दिए थे, ख़त्म। बाकी चलो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ।